हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस डाइट। अगर इस जन्माष्टमी में आप मेरे साथ भगवान कृष्ण जी के लिए उनकी फेवरेट मिठाई मेवा पाक बनाना चाहते हैं आसान और जल्दी से, तो आइए मेरे साथ इसकी रेसिपी देखते हैं। देखिए कितना स्वादिष्ट है ये मेवा पाक मेरे कान्हा जी के लिए, आपके कान्हा जी के लिए। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आइए नोट करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। हमारे को चाहिए लगभग 150 ग्राम किशमिश यानी कि रेसिन्स। हमारे को चाहिए 150 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास कोकोनट की गरी है ड्राई वाली, आप उसको भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। हमारे को चाहिए 150 ग्राम आलमंड्स यानी कि बादाम, 150 ग्राम्स कैश्यूज यानी कि काजू। हमको चाहिए थोड़ा सा केसर यानी कि सैफरन। हमारे को चाहिए हमारी चीनी यानी कि शुगर, लगभग ये है आधी कटोरी, और आधी कटोरी पानी है अगर हम मेजर करेंगे। हमको पानी और चीनी हमारी चाशनी के लिए चाहिए। हमें चाहिए लगभग 200 ग्राम मखाना। हमें चाहिए वाटरमेलन सीड्स लगभग 150 ग्राम यानी कि तरबूज के बीज। हमें चाहिए लगभग 100 ग्राम गोंद। होप आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। अब हमारे को चाहिए ये एक मोल्ड जिससे हम अपने मेवा पाक की शेप देंगे। इतना टेस्टी, इतना टेम्पटिंग कि आप लोग जरूर इस जन्माष्टमी कान्हा जी के लिए बनाएंगे ये प्रसाद का भोग। तीन से चार बड़े चम्मच हमें देसी घी चाहिए। आइए, हमें अपनी गैस को ऑन करना है और अब हमार को सबसे पहले ड्राई रोस्ट करने हैं अपने मखाने। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखना, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप स्लो टू मीडियम रखना। हमारे बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कितने क्रंची हुए हैं ड्राई रोस्ट। बादाम को ड्राई रोस्ट करेंगे और साथ में ही अपने कैश्यूज को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा सुनहरा कलर आ जाएगा तो हम अपनी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे इसको। अब हमारे काजू और बादाम भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अगर आपको घी ज्यादा पसंद है तो आप घी में भी इनको रोस्ट कर सकते हैं। अब हम अपने वाटरमेलन बीज यानी कि तरबूज के सीड्स, इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। आप बिल्कुल इस प्रोसेस को आराम से करना क्योंकि ये पॉपअप होते हैं और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं। हमारे ड्राई हो गए हैं, अब हम अपनी प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। हम एक चम्मच घी लेके अपने कोन को घी में रोस्ट करेंगे। ये थोड़े फूल जाएंगे, अब हम इसको भी अपनी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए ये फूल गए हैं, हमारा घी डला हुआ है। अब हम अपने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल को भी रोस्ट करेंगे। इसमें थोड़े से रोज ड्राई पेटल्स मैंने डाले हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, वरना ये ऑप्शनल है। इसका बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत जल्दी भूनता है। ये भी हमारा बिल्कुल रोस्ट हो गया है, अब इसको भी हम अपनी प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। कढ़ाई में हम अपना एक कप पानी डालेंगे
और एक कप चीनी डालेंगे। चाशनी की एक तार बनानी है हमारे को। साथ में हम डालेंगे अपना थोड़ा सा सैफ्रॉन यानी कि केसर। इससे एक केसरी कलर आ जाएगा। तो चाशनी में आप ये डालना, ये ऑप्शनल है। अब साथ ही में आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना, ग्रीन इलायची पाउडर, ग्रीन कारमम पाउडर, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर। उबाल आ जाए हम अपना इलायची पाउडर लगभग 1/4 टीस्पून डालेंगे। अगर हमारी चाशनी बन रही है, हम अपने ड्राई फ्रूट को दरदरा कूट लेते हैं, या मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, या फिर अभी आपने दरदरा पीसना है, पाउडर फॉर्म नहीं करना। हमारी एक तार की चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए ऐसे ड्रिजल होना चाहिए इसको, ठीक है। साइड्स इसने अपनी छोड़ दी है। इस स्टेज पे हम अपनी गैस बंद करके अपने हम डालेंगे अपने कूटे हुए ड्राई फ्रूट, हुई गोंद, अब हमारे पीसे हुए मखाने, डेसिकेटेड भुना हुआ कोकोनट, कूटे हुए वाटरमेलन सीड्स यानी कि तरबूज के बीच, हम अपने रेसिंस यानी कि किशमिश भी डालेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अपनी गैस को स्लो करेंगे क्योंकि सारी चाशनी इसमें डिजोल्व हो गई है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डिजोल्व हो गए हैं। ये बिल्कुल रेडी और इसने अपने किनारे छोड़ दिए हैं। अब हम अपना मोल्ड लेंगे और इसको थोड़ा ल्यूकवार्म कर लेंगे, उसके बाद अपनी फिलिंग डालेंगे इस मोल्ड के अंदर। ये अमेज़न से मैंने परचेज किए थे मोल्ड, डिफरेंट शेप्स के, तो आप भी वहां से ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पे व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मेरा इंस्टा आईडी भी है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज उसको फॉलो करिए और देखना कितने आराम से इस मोल से हमारे पेड़े यानी कि हमारा बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही हम बाकी भी मेवा पाक बना लेते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मोटिवेट रहूंगी और आपके लिए रोज 12:30 बजे एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के पास आऊंगी। होम कुक फूड को जरूर प्रमोट करिए, हमारे बच्चे बहुत हेल्दी खाएं तो बहुत अच्छा होगा। हमारे कितने लाजवाब मेवा पाक आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। एक बारी खाएंगे इस प्रसाद को तो हर जन्माष्टमी, मैं यकीन से कह सकती हूँ, आप यही बनाएंगे। आप जन्माष्टमी में इस रेसिपी को एक बारी तो जरूर ट्राई करना। इसको आप बर्फी की शेप भी दे सकते हैं लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट किया है क्योंकि मेरे पास अच्छे से मोल्ड थे। तो होप करती हूँ आप इस जन्माष्टमी यही बनाएंगे अपने परिवार के लिए। मेवा पाक बिल्कुल तैयार है, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। अपने स्वच्छ हाथों से इस जन्माष्टमी अपने कान्हा जी को ये प्रसाद का भोग खुद लगाइए और हेल्दी अपनी फैमिली को बनाइए।